तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं पवन सिंह जी का सुपर हिट वायरल भजन मैया की आरती। तो आप अगर इस भक्ति को अपने कीबोर्ड के ऊपर सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए अब फटाफट करके सीखते हैं भजन को। तो भजन की जो फर्स्ट लाइन है वो किस प्रकार से है, एक बार मैं आपको सुलो में बजा कर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। तो भजन की स्टार्टिंग इस वाली बटन से होगी, ए शार्प नोट से। तो किस प्रकार से बजाना है, तो दोस्तों ये इस भजन का अस्थाई पाठ है। तो सबसे पहले हम अस्थाई पाठ के पैटर्न को समझते हैं किस प्रकार से इसका पैटर्न चल रहा है। तो ए शार्प से स्टार्टिंग कर रहे हैं, किस तरीके से बजाएंगे सोलो में करके सीखिए। ए शार्प से डायरेक्ट हमको इस वाली बटन पर आना है, एफ शार्प नोट पर, मतलब पांचवी काली से तीसरी काली बटन पर जाना है। तो किस तरीके से, किस प्रकार से बजाना है सुर में करके समझिए एक बार और। दूसरी लाइन सेम इसी पैटर्न के ऊपर। फिर इसके बाद जो अगली लाइन है उसे किस प्रकार से बजाएंगे। किस तरीके से बजाना है ध्यान से समझिए। तो दो लाइन ए भी है एक ही पैटर्न के ऊपर। फिर इस लाइन के बाद सेम फिर वही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा जो अभी हमने सीखा। तो दोस्तों हमारा जो अस्थाई पाठ है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब बढ़ते हैं हम अंतरे की तरफ। तो अंतरा इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो किस प्रकार से अंतरे को बजाना है ध्यान से समझिए। सोलो में करके आप समझते हैं किस तरीके से बजाएंगे। तो अंतरे की जो स्टार्टिंग है मध्य सप्तक से स्टार्ट होगी और तार सप्तक तक जाएगी। तो मध्य सप्तक के रे सुर से स्टार्टिंग करेंगे। किस तरीके से बजाना है ध्यान से समझिए, दूसरी काली बटन से। पहले इतना बजाना सीखते हैं किस तरीके से बजाएंगे इसे। दो लाइन एक बार और सुर में से करके हम सीख लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमें एक एक लाइन बजाना याद रहे। अब इसके बाद हमें सीधा जाना है एफ नोट के ऊपर। तो किस तरीके से, किस तरीके से बजाना है, चार ही बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस साइड में। किस तरीके से बजाएंगे, सोलो में करके सीखते हैं। तो एक बार दोनों पैटर्नों को हम मिलाकर सीख लेते हैं। Thank you.
इसके बाद वही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा मुखड़े पार्ट वाला, जैसे हमने मुखड़े पार्ट में बजाना सीखा था। तो इस वाले पैटर्न को हमने पहले ही सीख लिया है, पर आपको एक बार मैं और सिखा दे रहा हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। तो दोस्तों भजन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, अब हम एक बार इस पूरे भजन को रिपीट करेंगे ताकि आपको बढ़िया तरीके से एक बार पूरा भजन समझ में आ जाए बजाना। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप बड़ी आसानी के साथ निकाल पाएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जितनी चाहे कोशिश कर लें आप नहीं निकाल पाएंगे। तो किस तरीके से बजाना है ध्यान से समझिएगा, स्लोली बताते हुए मैं आपको चलता हूँ। मुखड़े से स्टार्टिंग कर रहे हैं, अंतरा किस टाइप से है, तो दोस्तों आज का जो हमारा भजन था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भजन अपने कीबोर्ड के ऊपर बजाना समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास बिना किसी देरी के। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, आप लोग वीडियो में कमेंट नहीं कर रहे हैं और ना ही आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए और प्यार प्यारे से भी कमेंट भी करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और पियानो टॉपिक के साथ, तब तक आप अपने कीबोर्ड के ऊपर अपना रियाज जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।